सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी को व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 11 उपसर्ग प्रत्यय और समास पूरा पढ़ लिया है और इसको समझ भी लिया है। तो इसमें अपन ने पढ़ा उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के आरंभ में माने शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जैसे पुत्र में हमने सु जोड़ दिया तो सुपुत्र बन गया, और पुत्र में ही हम अगर कु जोड़ देते तो कुपुत्र बन जाता है। और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय वह होते हैं जो धातु के बाद जुड़ते हैं, जैसे सुन धातु, इसमें आई जुड़ गया तो सुनाई बन गया। और तद्धित प्रत्यय वे हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के अंत में जुड़ करके नए शब्द को बनाते हैं। जैसे मीठा शब्द है, उसको हमने आस जोड़ दिया तो मिठास बन गया, और कड़वा में हमने आहट जोड़ दिया तो कड़वाहट बन गया। अब समास। समास दो पदों के योग को समास कहा जाता है। इसमें समास माने दो पदों को जो जोड़ा जाता है, पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़ करके एक शब्द बनाया जाता है, एक पद बनाया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। और समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्री समास। और अब बेटा बारी है पुस्तक अभ्यास की। पुस्तक अभ्यास में सबसे पहले है प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक है, उपसर्ग की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये उत्तर हमको पेज नंबर 128 पर मिल जाएगा, सबसे ऊपर। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और जैसे उपकार में हमने पर जोड़ दिया तो परोपकार बन गया, पुत्र में हमने सु जोड़ दिया तो सुपुत्र बन गया। प्रश्न दो है, प्रत्यय से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाइए। जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द को बनाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे मीठा में हमने आई जोड़ दिया तो मिठाई बन गया। और समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर हमें पेज नंबर 130 पर मिल जाएगा, सबसे ऊपर। दो अथवा दो से अधिक पदों के संयोग से निर्मित सार्थक पद समास कहलाता है, है ना। दो शब्दों को जोड़ करके समास बन जाता है। जैसे शरण में आगत जोड़ दिया तो शरणागत हो गया। देश विदेश है, चौमासा, चौ में मासा जोड़ दिया तो चौमासा हो गया, है ना। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं, इसका उत्तर है, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है, जो धातु के बाद में जुड़ते हैं शब्दांश, वे कृत प्रत्यय होते हैं। और जो इसका उदाहरण है, जैसे लग में आन जोड़ दिया तो लगान हो गया। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय में क्या है, बच्चा में पन जोड़ दिया है तो बचपन हो गया है। इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के अंत में शब्दांश जुड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है समास के भेद लिखते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 130 पे मिलेगा बेटा। पेज नंबर 130 पे सबसे ऊपर इसकी परिभाषा लिखी है, दो अथवा दो से अधिक पदों के संयोग से निर्मित सार्थक पद समास कहलाते हैं। इनके 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव के दो उदाहरण लिख सकते हैं, यथामति प्रतिदिन। तत्पुरुष के दो उदाहरण, रसोई घर गंगा जल, रसोई के लिए घर गंगा जल, है ना। कर्मधारय के दो उदाहरण, कमल नयन और मृत्युदंड आदि। उसके बाद द्विगु समास के लिए दो उदाहरण, चौमासा, चौराहा, पंचवटी, कुछ भी लिख सकते हैं दो, है ना। और उसके बाद द्वंद्व समास, माता पिता, पाप पुण्य दो उदाहरण है। और छठा है बहुव्री। बहुव्री में दो उदाहरण है, दशानन, दस है मुख जिसके अर्थात रावण, दस है आनंद जिसके रावण, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। तो ये हमारा प्रश्न 5 भी पूरा हो जाता है। अब है बेटा प्रश्न 6,
निम्न उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। अप उपसर्ग से अपयश अपमान, वी उपसर्ग से विदेश विशेष, निर उपसर्ग से निर्मम निराहा निर्दोष कुछ भी हम लिख सकते हैं। उत उपसर्ग से उत्थान उत्साह, अनु उपसर्ग से अनुकरण अनुसरण और अ उपसर्ग से अधर्म असफल। अब है प्रश्न 7, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहला है साहित्यकार, तो मूल शब्द में आएगा साहित्य, प्रत्यय में आएगा कार। और घबराहट, मूल शब्द है घबराना और इसका प्रत्यय जुड़ा इसमें आहट, तो घबराहट बन गया। वैज्ञानिक में मूल शब्द है विज्ञान, इसमें एक प्रत्यय लगा दिया तो वैज्ञानिक बन गया। लड़कपन में मूल शब्द है लड़का और उसमें पन प्रत्यय लग गया तो लड़कपन बन गया। नागरिकता में मूल शब्द है नागरिक और ता प्रत्यय जुड़ गया तो नागरिकता बन गया। और प्रतिनिधित्व में मूल शब्द है प्रतिनिधि और त्व प्रत्यय जुड़ गया तो प्रतिनिधित्व बन गया। अब है प्रश्न 8, निम्न का समास विग्रह कर समास का नाम भी लिखिए। मुखाकृति, मुख की आकृति, कौन सा समास बना? तत्पुरुष। दुर्भाग्य, बुरा है जो भाग्य कर्मधार है ना, बुरा विशेषण हो गया, भाग्य आपकी संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण बहुव्री, कृष्ण या विष्णु भी लिख सकते हैं। विद्यालोक, विद्या का आलोक तत्पुरुष समास। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण बहुव्री। दशावतार, दस हैं अवतार जिसके अर्थात नारायण बहुव्री। रसोई घर, रसोई के लिए घर अर्थात तत्पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन मतलब कर्म धारय है ना, इसमें उपमा और उपमान का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न 9 है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है शब्द रचना के तत्व है समास उपसर्ग प्रत्यय, तीनों ऊपर वाले तीनों हैं, नंबर 4 पर आप टिक करिए। ख है समास प्रक्रिया के मूल तत्व है प्रथम पद उत्तर पद समस्त पद प्रथम पद व उत्तर पद, मूल तत्व इसके यही है प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों मिलके ही समस्त पद बनते हैं ना। ग वाला है वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसे विशेष बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उपसर्ग। तो नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। और घ वाला है द्वंद्व समास में प्रथम पद प्रधान होता है उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता। नंबर 3 पर आप टिक करेंगे, दोनों पद द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। अंग वाला है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं शब्द के पीछे जुड़ते हैं, जुड़ते ही नहीं है कहीं भी, जुड़ जाते हैं शब्द के अंत में जुड़ते हैं बाद में पीछे है ना, तो नंबर 2 पर आप टिक करेंगे। और च वाला है कलाकार में मूल शब्द है कला, कला ही है ना, कार तो उसमें प्रत्यय जुड़ गया है और तो पहले वाले पे आप टिक करेंगे। तो ये पुस्तक अभ्यास भी हमारा पूरा हो गया है, आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है, आपका गृह कार्य यही है, पुस्तक अभ्यास को आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे याद करेंगे और वर्कशीट के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।